लाहौर समेत पंजाब में जिमनी इलेक्शन के लिए मैदान आज सजेगा। पोलिंग का अमल सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। जिमनी इंतखाबात के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल। इंतखाबी सामान पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा दिया गया। जिमनी इंतखाबात के लिए इलेक्शन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम कायम। जिमनी इंतखाबात के लिए 62,30,000 से ज्यादा बैलेट पेपर छापे गए। कौमी असम्बली के लिए सब्ज और सूबाई असम्बली के लिए सफेद बैलेट पेपर छापे गए हैं। ज़मीनी इलेक्शन पर 13 शहरों में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विसेज बंद रखने की तजवीज़। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, डीजी खान, तिलागंग और गुजरात में सर्विसेज मुअत्तल रहेंगी। अलीपुर, जफरवाल, भकर, चकवाल, सादकाबाद शामिल। महकमे दाखिला पंजाब ने वफाक वजारत दाखिला को खत लिख दिया। ज़मीनी इंतखाबात के लिए लाहौर के हलकों की पोलिंग स्कीम भी जारी। NA-119 में कुल रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 5,30,157 है। NA-119 में मजमूई तौर पर 338 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। PP-147 में कुल वोटर्स की तादाद 3,74,847 है, जबकि PP-149 में वोटर्स की कुल तादाद 3,45,448 है। इस हलके में 218 पोलिंग स्टेशन कायम हुए हैं। महंगी बिजली से तंग शहरियों के लिए अच्छी खबर। सोलर पैनल्स की कीमतों में नुमाया कमी। मुख्तलिफ इकसाम के सोलर पैनल्स 2 लाख रुपए तक सस्ते। 7 किलोवाट का सोलर पैनल 75,000 रुपए सस्ता, रेट 7,50,000 रुपए का होगा। 10 किलोवाट के सोलर पैनल की कीमत में 1 लाख रुपए कमी। सरकारी स्कूलों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का मंसूबा। पहले मरहले में पंजाब भर के 86 हायर सेकेंडरी स्कूलों को सोलर एनर्जी मुंतकिल किया जाएगा। लाहौर के 2 हाई गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया जाएगा। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल वहादत रोड और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ग्रीन टाउन शामिल।